आज हम बात करेंगे पहाड़ों वाली मैगी के बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपने जो है उन लोगों से ज़रूर सुना होगा जो पहाड़ों पे जाते हैं घूमने, कि पहाड़ों वाली मैगी का तो एक अलग ही टेस्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे पहाड़ों वाली मैगी के बारे में। ये जो मैगी है मेरे पास, इसका जो वेट है वो है 112 ग्राम। ये 20 रुपये की है और इसके अंदर 4 पीस होते हैं टोटल, और इसकी शेल्फ लाइफ है वो है 9 मंथ्स। ये मार्च की पैकिंग है और दिसंबर में जो है ये एक्सपायर होगी। तो हिमाचल में जो है इस तरह की मैगी का यूज़ किया जाता है। ये जो है उत्तराखंड से यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है। यहाँ पर जो है नेस्ले की मैगी कई कई जगह हैंग होती है, बट वो लोग ये मैगी बनाते हैं पहाड़ों पर। इसका जो है अलग ही टेस्ट होता है। तो बनाने का तरीका सिंपल है। कुछ लोग जो है अनियन वगैरह जो है काट के डाल देते हैं, बट घर पर हम लोग जो है सिंपल पानी बॉईल करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं, क्योंकि जो इसका टेस्ट मेकर रहता है उसमें सॉल्ट मुझे कम लगता है इसलिए। और इसके अंदर जो है इस तरह के 4 स्लाइसेस निकलते हैं, 4 पीस होते हैं। तो 4 पीस जो है मैं इसमें इस टाइम ऐड कर दूंगी, ये देखिएगा। और जो इसका टेस्ट मेकर है ना, वो जो है वो बहुत टेस्टी होता है। वो नेस्ले वाले की जो मैगी आती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए, इस तरह से जो है इसमें सीजनिंग पाउडर निकलता है और ये प्योर वेज है। इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर रहती है, रेड चिली रहती है, इसके अंदर क्यूमिन रहता है, काला नमक रहता है, और भी काफ़ी सारे जो है इंग्रेडिएंट जो है इस सीजनिंग के अंदर होते हैं। तो मेन जो काम है आप सबको पता है सीजनिंग का ही होता है। तो पहाड़ों वाली मैगी इसलिए भी टेस्टी होती है क्योंकि यहाँ पर जो है ये डिफरेंट मैगी का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ नेस्ले। और हम लोग जो है सिटी में दिल्ली साइड जो है वहाँ पर हम लोग जो है नेस्ले मैगी ही खाते हैं। आई बॉर्न इन वाटर फ्रॉम दिल्ली, बट हिमाचल जो है इट इज़ माई इन लॉज हाउस। तो हम जब इन लॉज के यहाँ आते हैं तो वहाँ पर हम आके ये वाली मैगी ही खाते हैं। इसमें जो है बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।